नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24। में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है विश्व प्रसिद्ध मेला सोनपुर में, जहां मेरे सामने में देख सकते हैं ये अजूबा घोड़ा है। अजूबा घोड़ा ये विश्व का इसलिए है क्योंकि ये है बोना घोड़ी है और इसका नाम है बादल। बोना घोड़ी इसका नाम क्या है? बादल है। और यहाँ देखिए ये घोड़ा है, ये भी बोना घोड़ा है और ये बोनी घोड़ी है। ये जो है ना आकर्षण का केंद्र बना हुआ है सोनपुर के मेले में दोस्तों। और देखिए यहाँ पे देखने के लिए कितनी यहाँ भीड़ है। यूँ तो यहाँ पे हजारों हजार घोड़े हैं, लेकिन इन्हीं घोड़ों को देखने के लिए यहाँ पे काफी भीड़ लगी हुई है क्योंकि ये बोनी घोड़ा है, ये बोना घोड़ा है, देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे काफी लोग आए हुए हैं, जाने का प्रयास करेंगे हम। ऐसा घोड़ा देखे थे कभी? देखे थे? बालू है। कहाँ से आए हैं? बंगाल से। क्या बात है, ऐसा घोड़ी देखे थे? बोना घोड़ी। क्या नाम हुआ आपका? साबिर मोहम्मद। कहाँ से आए मोहम्मद जी? बंगाल से। बंगाल से आए हैं। ऐसा बोना घोड़ा घोड़ी देखे थे कभी? कब ने देखे थे? क्या कहेंगे इसके बारे में आप? बहुत अच्छा है देखने। बहुत अच्छा देखने में ना। खरीदिएगा? नहीं खरीदिएगा? क्या नाम हुआ आपका? आप देख सकते लोग बंगाल से, यहाँ की भारत के अन्य राज्यों से लोग यहाँ आते हैं वैशाली जिला के सोनपुर मेले में। काफी लोग यहाँ भीड़ है। क्या नाम हुआ जी? मंटू कुमार नाम है। मंटू कहाँ घर हुआ? महाराजगंज। महाराजगंज घर हुआ। ये बोना घोड़ा घोड़ी के बारे में क्या कहोगे? ये बहुत बढ़िया फेवरेट घोड़ा है। हाँ। सोनपुर मेला का आकर्षण का केंद्र है। हाँ। ना आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो बोना घोड़ी और घोड़ा है, इसके जो मालिक है अभी आ रहे हैं, जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये घोड़ा घोड़ी को खरीदने वाले यहाँ पे कौन होंगे। एक मालिक से यहाँ भी बैठे हुए दिखाई जा सके, कैमरे में इनको दिखाइए। और ये नाराज इसलिए है क्योंकि ये वायरल तो हो गया है, लेकिन इसके चारे के लिए यहाँ पे जो है ना व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, इसीलिए इनके मालिक, छोटे से मालिक नाराज यहाँ पे हैं। और इनको देखने के लिए काफी यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। ये बोना घोड़ी घोड़ा है और इसका नाम क्या बताया गया है? शेरा। शेरनी। शेरा और बादल। शेरा और बादल नाम है दोस्तों। आइए वीडियो क्लोज किया। तो दोस्तों ये बादल घोड़ा है और ये बोना घोड़ा, इसका नाम है बादल। आइए इस पे हम बैठते हैं, देखते हैं मेरा भार थमता है कि नहीं थमता। ये देखिए 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 मेरा भार ये थम गया। देखिए इसका घोड़ा का मालिक का कहना है, बोना घोड़ा के मालिक का कहना है, ऐसे ऐसे दो आदमी बैठ जाइए 100 किलो 200 किलो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। देखिए घुमा 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 चलो चलो अट अट। अब देखिए सोनपुर मेला में ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ इसलिए कि ये बोना घोड़ा है और इसका नाम बादल है दोस्तों। बहुत मजा आ रहा है बैठने के। देखिए ये बोना घोड़ी है जिसका नाम है शेरा। बताइए इनका मालिक क्या सोच के इसका नाम रखा होगा? चल घोड़ा चल, चल घोड़ा चल। देखिए 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 इसको बांधा हुआ, ये कहाँ जाएगा बेचारा? आप देखिए एक बकरा था, वो बकरा मालिक जो ना बकरा से युद्ध। आप देखिए प्यार दुलार से बादल सो गया है, इसको घोड़ा मालिक जो उठाने के लिए आए हैं और हम जाने का प्रयास करेंगे इसका दाम क्या रखा गया है, क्योंकि ये दुनिया का अजूबा घोड़ा घोड़ी है जो कि बोना बोनी है। इसका नाम है बादल, इसका नाम है शेरा। देखिए शेरा एकदम शेरनी, शेरनी नाम है, शेरनी नाम है, ये शांत स्वभाव से है। यह बताइए इसका नाम शेरनी आप क्यों रखे सर? नाम तो भैया जो भी हो सकता है, नाम के लिए क्या कीजिएगा। शेरनी इसलिए इसका नाम रखा गया कि दुनिया का तो हम तो ये भाई बिहार में क्या, हम तो ऐसे देखिए किसी का चैलेंज नहीं करना चाहिए कि माई का पुत और गाय का पुत में कमी नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भूमि जो है किसी चीज से खाली नहीं है, खाली नहीं, बिल्कुल। हम इस पे कैसे चैलेंज करेंगे कि हमसे छोटा घोड़ी किसी का नहीं है। बिल्कुल, तो हम इसीलिए हमारे मन में है कि नहीं छोटा है मेरा, छोटा है, बोना बिल्कुल बोना है, बिल्कुल बोनी। कोई खरीदेंगे सोनपुर मेला में ये बोना घोड़ी, जिसका दाम अब क्या रखे हैं आप? हमको बेचना नहीं है। बेचना नहीं है, यानी आकर्षण का केंद्र बना के रखे हैं। अरे भैया आप देखते हैं कि 2023 में वो वायरल हुआ था। 2023 में वायरल हुआ था ये? हाँ 2023 में। आप लोग का भी होगा चैनल पे? हाँ है, बिल्कुल है। जो है कि इसको हम बेचते थोड़ी है। हाँ। पट्टा बना के रखे हैं, बेचने के लिए नहीं रखे कितना हैं। वजन ये सह सकता है? ये आप बैठ के देख सकते हैं। हम तो बैठ के देखिए अभी, लेकिन चलता नहीं है, फट जाता है। अरे बैठ तो का है, बैठ आइए देखते हैं, बैठ के देखते हैं क्या होता है। देखिए देखिए आप बादल है ये, आगे दाब गया। देखिए बादल है ये, अरे रस्सी फंस गया जी। देखिए दोस्तों फंस,
मतगणना केंद्र है जो कि सोनपुर मेला में अजूबा है, अद्वितीय है। सन 2023 में ये वायरल हुआ था दोस्तों, 2024 में ये और भी वायरल होने के लिए जा रहा है, जिसका नाम है बादल। ओ बादल, क्या बात है, यह बताइए इनको खाना में क्या खिलाते हैं? चोकर भूसा खिलाते हैं। चोकर भूसा खिलाते हैं, और कुछ खास? खास क्या, चोकर भूसा खिलाते हैं। अब पीछे से आवाज आ रही है, एक सिर के दूध है, आवाज आने के लिए वो देता है दूध पीने के लिए। देता दूध पीने के लिए। अच्छा, इसको बेचना ही नहीं है कोई आदमी? अगर मनमना पैसा दिया आपको तब? अब हमको बेचना है ये नहीं है, मनमना क्या देगा? नहीं, नहीं दे सकते हैं। नहीं, आइए, घोड़ी को भी नहीं दे सकते हैं? ये घोड़ी, अच्छा घोड़ी क्या मतलब, कितना वर्ष हो गया होगा लगभग, जब से पैदल तो अब तक में? देखिए वर्ष का सवाल नहीं है, ये अभी थोड़ा कम सीन का उम्र का है। कम सीन उम्र का है ये? हम तो लाए हैं, ये बादल भी गिफ्ट में मिला है। आपको गिफ्ट मिला है? 2023 में मिला था। कौन गिफ्ट किया था वो महान शख्स आपको ये घोड़ा? ये खगड़िया जिला का डब्लू यादव था। हाँ हाँ, मेरा मित्र है। हाँ हाँ हाँ। और ये घोड़ी जो है सो हमारा ननिहाल में मिला है। आपको मिला है ये? ननिहाल मेरा ग्राम पोस्ट टूटेसरा। हाँ हाँ। थाना सलखुआ बाजार जिला सहरसा में मेरा ननिहाल है। हाँ हाँ। ननिहाल में मेरा मामा लोग का दिया है गिफ्ट में। ये गिफ्ट में दिया है, तब से रखे है? क्या साल हो गया दिया गिफ्ट में? नहीं फिलहाल मिला है, कोई ज्यादा दिन नहीं मिला है। क्या बात है, ये भी आपको कोई दिया है? हाँ। क्या बात है, बाद में दोस्तों ये बोना घोड़ा घोड़ी के बारे में क्या सोच रहे हैं? वैसे आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम भट्टन भगत। आप करते क्या है? घोड़ा का बिजनेस। कितने वर्षों से कर रहे हैं? लमसम 30-31 साल से। 30 साल से कर रहे हैं, लेकिन सोनपुर मेला में आप जो है ना आकर्षण का केंद्र बना दिए ये दोनों घोड़े ला करके। एक थोड़ी दूठो थोड़ी लाए। कितना घोड़ा आपके पास में? हमारे पास अभी 30-32 घोड़ा है। 30-32 घोड़ा है, कोई ऐसा घोड़ा है जो रेस में जिताया हो? नहीं ऐसा नहीं, हम लोग तो खरीदते बेचते हैं, झूठ बोलने से क्या फायदा होगा। क्या बात है, बाद बाकी दोस्तों ये बोना घोड़ा घोड़ी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, राय कमेंट करके बताएं, और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24 में। प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।